नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ओल या सूरन का चोखा या भरता, इसे जिमीकंद भी कहते हैं। कम तेल और मसाले में बनने वाला ये चोखा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सबको बहुत पसंद भी आता है। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सूरन या जिमीकंद लिया है। इसके ऊपर की मिट्टी निकालने के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अभी ये थोड़ा साइज में बड़ा है तो इसे काट कर दो टुकड़ों में कर लेते हैं ताकि ये आसानी से उबल जाए। अब इसे उबाल लेते हैं, कुकर में डाल देंगे, 2 कप पानी भी डाल देते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 4 सीटियां लगा दी हैं और अब कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, चेक कर लेंगे, ये अच्छी तरह से उबल चुका है। अगर ये अच्छी तरह से ना उबला हो और थोड़ा हार्ड लगे तो 1-2 सीटी वापस लगा दें। इसे कुकर में से निकाल लेते हैं। अब इसके छिलके निकाल लेंगे। चाकू की हेल्प से बहुत ही जल्दी आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। इसके छिलकों को अच्छी तरह से निकाल लें क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी हो सकती है। आप इसे पहले छीलकर बाद में भी उबाल सकते हो, पर कच्चे ओल या सूरन को छीलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उससे हाथों में खुजली स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसे मैंने उबाल कर फिर छीला है और उबाल कर छीलने से इसके छिलके बहुत ही आसानी से भी निकल जाते हैं। अब मैंने इसे छील लिया है पर इसके ऊपर ये कुछ काला काला सा रह गया है, तो इसे मैंने एक बार साफ पानी में धो लिया है। अब इसे मैश कर लेते हैं और अब इसे मैंने बारीक मैश कर लिया है, तो इसे इस बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। 7-8 लहसुन की कलियों को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। भरते या चोखे में इन कच्चे लहसुन के टुकड़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, पर अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना हो तो लहसुन को पेस्ट बनाकर ऐड कर लें या फिर इसे ना ऐड करें। इसकी जगह पर आप पत्ते वाले हरे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी चोखे का टेस्ट बढ़ जाता है। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियाँ, 1 छोटे से अदरक के टुकड़े को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। सारी सामग्री ऐड कर लेते हैं। लास्ट में गार्निश के लिए मैंने थोड़े धनिया की पत्तियाँ बचा ली हैं, स्वादानुसार नमक और 2 टीस्पून जितना सरसों का तेल भी डाल देंगे। सरसों के तेल में ये चोखा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सूरन या ओल को उबालने से उसकी खुजली थोड़ी कम हो जाती है, पर लास्ट में हम इसमें 1 नींबू भी निचोड़ देंगे, इससे इसकी खुजली तो बंद हो ही जाएगी, इस भरते का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। सारी सामग्री को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा ओल या सूरन का चोखा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। धनिया की पत्तियाँ जो हमने बचाई थी उससे इसे गार्निश कर लेते हैं। इस तैयार ओल या जिमीकंद के चोखे को आप मेन कोर्स में साइड डिश की तरह सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप भी इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।
मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।